ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर सोमवार आज के कन्या राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा और आपको आज कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों यात्रा सावधानी से करें क्योंकि इन्फेक्शन का भय बना हुआ है। यदि आज कोई कार्य करते हैं तो दिल खोलकर करें, इसका भविष्य में आपको भरपूर लाभ होगा और साथ ही आज व्यवस्थता और भागदौड़ बनी रहेगी। आज यदि आप किसी संस्था से ऋण लेने की सोच रहे हैं तो कदापि ऋण ना लें क्योंकि उसे लौटाना मुश्किल होगा और साथ ही आज जीवन साथी से सहयोग भी प्राप्त होगा और किसी सामाजिक समारोह में शामिल होना लोकप्रियता को और अधिक बढ़ा देगा। साथ ही आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता का आपको भरपूर लाभ भी मिलेगा। आज आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी और आज आप अपने रुके हुए कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। अपनी वाणी पर काबू रखें, संयम रखें और अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके विरोधी आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, संयम रखें। दोस्तों आज आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा, आर्थिक लाभ की स्थिति रहेगी, शेयर बाजार से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है जिससे आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। हालांकि आपको लॉटरी और सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। प्रॉपर्टी में कारोबार से भी लाभ मिलेगा, गुप्त धन से लाभ के योग रहेंगे और चल अचल संपत्ति से भी लाभ की संभावना पाई जाती है। आज विद्यार्थियों को अपने सीनियर्स की मदद मिल सकती है, विद्यार्थी अपना समय फालतू कार्यों पर आज नष्ट ना करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहेगा। परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा, परिवार में खुशनुमा वातावरण और माहौल रहेगा, अभिभावितों के रिश्तों की बात हो सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी संभव है, धार्मिक कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित होगा, महिलाओं की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, साथ ही संतान अनुशासित रहेगी और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी से कोई सरप्राइज भी मिल सकता है, ऐसे रिश्ते जो अलग से हैं उनके लिए ये दिन उत्तम नहीं होगा। आज इन रिश्तों से आप दूरी बनाकर रखें, इन रिश्तों को आगे बढ़ाने से पहले दो दफा सोच लें। जीवन साथी से प्यार का माहौल बना रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज स्वास्थ्य से संबंधित कोई हल्की बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है, सेहत के मामलों में दिन उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें, इसी के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से आपके समस्त संकट मिट जाएंगे। दोस्तों आपको भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शिव अवश्य लिखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।